Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum viewers. I hope that you will be glad and happy. May Allah bless you. Welcome to my channel. Viewers, आज हम आपको नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बारे में बताएंगे और ये आज का हमारा टॉपिक है तआरुफ. नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर. नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर शहनशाह अकबर का सबसे बड़ा बेटा था. वो 1569 ईस्वी में पैदा हुआ. इसके महाराज पुत्री इसका असल नाम मोहम्मद सुल्तान सलीम था. उसने अपने बाप के हाथ में इसके खिलाफ बगावत की थी, लेकिन बाद में बाप बेटे में सुलह हो गई. 1605 ईस्वी में अकबर के मरने पर सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के लकब से तखनशीन हुआ. जहांगीर ने तखनशीन होकर बाप के मुकर्रर करदा अहलकारों को बहाल रखा और आगरा के शाह बुर्ज से जंजीर अदल बांध दी ताकि मजलूमों की दादरसी हो सके. जहांगीर ने सख्त सजाएं मनसूख किया और नशावर अशिया पर पाबंदी लगा दी. उसने मजहबी रवादारी पर अमल किया और हिंदुओं को आला अहदों पर पाइज रखा. जहांगीर के दौर में भी दक्कन में मुगल जारहीत जारी रही और कई अहम कामयाबी हासिल की गई. जहांगीर का इंतकाल 1629 ईस्वी में हुआ. वो लाहौर के करीब शाहदरा में दफन है. उसने 22 साल हुकूमत की. जहांगीर रोशन ख्याल और पढ़ा लिखा इंसान था. उसे फारसी और तुर्की जबानों पर अबूर हासिल था. फनून लतीफ़ा का बड़ा शौकीन था. उसके दौर में हिंदुस्तानियों ने फनून लतीफ़ा में कमाल हासिल कर रखा था. जहांगीर को ख़ास तौर पर मुसविर में बसीरत हासिल थी. वो पनी तामीर में भी बड़ी दिलचस्पी लेता था. उसके सरपरस्ती में उलूम और फनून ने भी बड़ी तरक्की की. तारीख, जोग्राफिया और सवानह इसके दिलपसंद मजामीन थे. नबातात और हवानात से उसे ख़ास लगाव था. शहर पाक मुसविर अबुल हसन और मंसूर इसके दरबार से वाबस्ता थे. मुसविरी ने इसके जेरसा इस कदर तरक्की की कि दरबार मुसविरों ने तामसराव की पेश करदा एक तस्वीर की हूबहू ऐसी नकल तैयार कर डाली कि असल तस्वीर और नकल में कोई भी इम्तियाज न कर सका. नज़्म नज़्म. जहांगीर ने अकबर आजम का नज़्म नसक जारी रखा. अलबत्ता चंद तब्दीलियाँ ज़रूर किए. मिसाल के तौर पर सरकारी अफसरान को किसी दूसरे मकानों और काश्तकारों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने से सख्ती से मना किया गया. जहांगीर ने वज़रा का कौंसल नहीं रखी. वो मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अपने दिल की बात मनवाने का शौकीन था. उसने एक मजबूत मरकजी बादशाहत कायम की और सुल्तनत को दवाम बख्शने के लिए उसने अकबर की तरह रवादारी को फ़रोग दिया. इस तरह हिंदुस्तान के तमाम तबकात के लिए काबिल कबूल बन गया. सुल्तनत को सूबे में तकसीम किया गया और हर सूबे को एक सूबादार कंट्रोल करता था. तो यही वर्जी थी आज के एक शॉर्ट हिस्ट्री नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की. इसके बाद हम इंशाल्लाह नूरजहान और इंतज़ाम सल्तनत में इसकी खिदमत इसके बारे में बताएंगे इंशाल्लाह. आज तक के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी. लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बिल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे बनने वाली वीडियो आपको वक्तन मिलते रहे. व्यूअर्स, ये हिस्ट्री जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए. इससे तकरीबन 20 MCQs आते हैं हर पेपर में. आपको ज़रूर इसका जो है हर चैप्टर का मुतालिया करना चाहिए. अगर आप चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करेंगे तो फिर भी आप MCQs हल नहीं कर पाएंगे. इसलिए आपको हर एक लकीर के जो है आपका स्टडी करना चाहिए. यानी ये जो पेपर है आर लकीर से ये जो पेपर आते हैं अलग 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 लकीरों से एक MCQs बनाता है. तो आप व्यूअर्स सारे के सारा बुक्स जो है वो पढ़ना पड़ेगा. एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन पढ़ो, इस तरह आपको मुताले की आदत पड़ जाएगी और आप इस तरह इसका आदि बन जाएंगे. तो आप मेहनत करें, काम करें, दिल शौक से करें, दिलजोई से करें तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे. अभी तक के लिए इतना काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़.